नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस पर बोले सीएम हेमंत सोरेन, मजबूत हुआ है लोकतंत्र। आप सबको बता दूं कि झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन थे। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ की गई। इस दौरान मानिका विधायक रामचंद्र सिंह को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। विधानसभा किसी भी राज्य के लिए जाति धर्म से ऊपर है। यहां न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि पशुओं और पर्यावरण के लिए भी विचार किया जाता है। सभी क्षेत्र के प्रतिनिधि यहां किसी उम्मीद के साथ आते हैं, इसलिए हर विषय पर सही ढंग से चर्चा हो, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। समय के साथ यहां बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने आगे कहा कि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हम सब आज पंचायत के इस महापर्व को मिलजुल कर मनाएं और इसकी जड़ों को और मजबूत करें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानिका विधायक को उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हम सभी झारखंड स्थापना दिवस की 23वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। झारखंड राज्य का गठन देश के 28वें राज्य के तौर पर हुआ था। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लोकसभा सदस्य के नाते मैंने भी इसके गठन के लिए वोट किया था, जिस पर मुझे गर्व है। राज्यपाल ने आगे कहा कि झारखंड का इतिहास गौरवशाली रहा। पहले विधानसभा HEC से संचालित होती थी, लेकिन अब झारखंड के पास अपना विधानसभा भवन है, जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया था। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने कहा कि यहां सभी लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और विकास की सोच के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सीपी राधाकृष्णन ने यह भी कहा कि यह खुशी की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों युवा है। ऐसे में यही कामना है कि दोनों अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करें और राज्य को आगे बढ़ाएं। हमारा राज्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है और इसका सही इस्तेमाल हमें राज्य की गरीबी और अशिक्षा को दूर करने के लिए करना है। आप सबको बता दूं कि 15 नवंबर को भी राज्य स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत हुई। झारखंड कैबिनेट में 32 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार को हुई, इसमें 32 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव की स्वीकृति SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को लेकर दिया गया। इसके तहत अब वैसे मामले जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 के तहत थानों में दर्ज है, उसका अनुसंधान दरोगा और इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे। ऐसा निर्णय थानों में बढ़ते मामले और इसके अनुसंधान में लगने वाले DSP की संख्या कम होने की वजह से लिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD अनिवार्य नहीं। आप सबको बता दूं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में एक अन्य प्रस्ताव उच्च शिक्षा को लेकर लिया गया, जिसमें कहा गया कि अब राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD होना अनिवार्य नहीं होगा। नेट पास किए उम्मीदवार इसके लिए योग्य माने जाएंगे। प्रगनेत को मिलेंगे अब हर महीने 3,000 रुपये। आप सबको बता दूं कि झारखंड की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रगनेत को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। पहले आप सबको बता दूं कि सरकार ने 1,000 रुपये देने का निर्णय लिया था। झारखंड कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, आइए जान लेते हैं। राज्य के विश्वविद्यालय और कंस्टिट्यूट कॉलेज में डिजिटल लैंग्वेज लैब बनाया जाएगा, इसके लिए 26 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य में पहले से चल रहे 13 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कोर्स के ब्रांच में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुरूप शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही BIT सिंदरी में पढ़ाए जा रहे प्रस्तावित ब्रांच में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों को रिस्ट्रक्चर करने की भी स्वीकृति दी गई। साथ में झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली 2019 में आवश्यक संशोधन करने की भी स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही अनेक और प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। काकुड़ में सीएम हेमंत सोरेन के आगमन पर तैयारियां तेज, 25 को जनसभा को करेंगे संबोधित। आप सबको बता दूं कि पाकुड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 25 नवंबर को बाजार समिति मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी का जायजा उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बर्नवाल एवं पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने संयुक्त रूप से लिया। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने बारीकी से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थल की तैयारियों में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, इस पर खास ध्यान रखा जाए।
साथ ही कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं से संबंधित लगने वाले स्टॉल को ससमय लगवाने का निर्देश भी दिया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि का पूर्ण इंतजाम करने की बात भी कही। कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने मुख्यमंत्री के विश्राम आदि की व्यवस्था हेतु पाकुड़ परिसदन का भी निरीक्षण कर जिला नजारत उप समाहर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद साहिद अख्तर, SDO हरिवंश पंडित, स्थापना उप समाहर्ता विकास कुमार त्रिवेदी, जिला संपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, SDPO अजित कुमार बिमल, नगर परिषद प्रशासक राजकमल मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। पाकुड़ में 1 जनवरी से शुरू होगी धान की खरीदारी, 50,000 क्विंटल धान खरीदने का रखा गया है लक्ष्य। पाकुड़ जिले भर में धान की कटनी शुरू हो गई है। किसान धान को काटकर अपने खेतों में सुखाने के लिए छोड़ दिए हैं। जिले के कुछ जगहों में धान की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर धान की खरीदारी को लेकर सहकारिता विभाग ने प्रारंभिक तैयारी भी शुरू कर दी है। जिले भर में 1 जनवरी से धान की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। इस बार जो है जिले में 50,000 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खरीदारी विभिन्न लैंपसों के माध्यम से की जाएगी। धान खरीदारी को लेकर झारखंड राज्य खाद्य एवं औषधिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की से मापदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। मापदंड का पालन कर धान की खरीदारी की जानी है। खरीदारी के लिए 12 लैंपस को अब तक चयनित किया गया है। लैंपस की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने नगर और मसलिया थाने के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन, पुलिस को दी सलाह। दुमका विधायक बसंत सोरेन ने नवनिर्मित नगर और मसलिया थाना भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर DIG सुदर्शन प्रसाद मंडल, SP पीताम्बर सिंह खेरवार उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद विधायक ने नवनिर्मित थाना भवन का निरीक्षण किया। नगर थाना भवन में थाना प्रभारी कक्ष के अलावा महिला और पुरुष बंदी के लिए हाजत की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जवानों के लिए भी कई तरह की सुविधा है। विधायक ने कहा कि नगर थाना अंग्रेज के जमाने में बना था, वर्षों बाद इस थाना को अपना भवन मिल गया है। पहले यह थाना एक खपरेल का घर जैसा लगता था, लेकिन अब यह अपने वास्तविक रूप में आ गया है। उन्होंने पुलिस पदाधिकारी और जवानों से भी कहा कि अब मिलकर लोगों की सेवा करें, किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दें। उत्तराखंड सुरंग हादसा में टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों से उसकी भाभी ने की बात, बताया ठीक है सब कुछ। आप सबको बता दूं कि उत्तराखंड सुरंग हादसे में उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 15 झारखंड के हैं। इन मजदूरों में से एक मजदूर के रिश्तेदार सुनीता हेम्ब्रम ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके देवा सुरंग में फंसे मजदूरों में शामिल हैं। सुनीता हेम्ब्रम ने बताया कि उनकी बात अपने देवा से हुई है। सुनीता ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है, वे सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं। सरकार की ओर से उन्हें खाना और कपड़ा भी उपलब्ध कराया गया है। सुनीता हेम्ब्रम ने उम्मीद जताई कि आज यानी कि गुरुवार तक संभवतः मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। सुनीता ने बताया कि सुरंग में फंसे मजदूरों से डॉक्टर ने भी बातचीत की है और उनका हाल जाना है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंगर मशीन काम कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सभी श्रमिक भाई बाहर निकलेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामी से बातचीत करके बचाव कार्य के बारे में जानकारी ली थी। आप सबको बता दूं कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बचाव कर्मियों ने दूसरी ओर से ड्रिल करके लगभग 39 मीटर का सुरंग बना लिया है। जल्दी ही वे 60 मीटर का सुरंग बना लेंगे और मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में दीपावली के दिन यानी कि 12 नवंबर को ही सुरंग हादसा हुआ था, जिसके बाद वहां 41 मजदूर फंस गए हैं। इन मजदूरों को पाइपलाइन के जरिए खाना और पानी पहुंचाया जा रहा है। रांची के जाने माने शिक्षाविद RI सिंह नहीं रहे, शिक्षा जगत में शोक की लहर। आप सबको बता दूं कि JBM श्यामली के पूर्व प्रिंसिपल रहे राम इकबाल सिंह को बुधवार यानी कि 22 नवंबर को निधन हो गया। रांची के जाने माने शिक्षाविद ने ऑर्किड अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वह बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे। विकास विद्यालय रांची में उन्होंने अध्यापन किया था, फिर खुट्टी कॉलेज आ गए थे। वहां से DAV श्यामली में प्राचार्य के पद पर रहे और रांची का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का दर्जा उन्हीं के कार्यकाल में मिला। पहले DAV और बाद में JBL श्यामली को शिखर तक ले जाने वाले RE सिंह अवकाश प्राप्ति के वर्ष 2001 में ब्रिजफोर्ड स्कूल में प्राचार्य और फिर निदेशक के पद पर रहे। वर्ष 2010 तक उन्होंने उस स्कूल को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर JK इंटरनेशनल स्कूल में वह निदेशक के पद पर रहे। वहीं से अस्वस्थता के कारण पिछले 1-2 साल से घर पर ही रहने लगे थे। पलामू में कंप्यूटर ऑपरेटरों को मिला प्रशिक्षण।
राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पलामू जिले में 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक जिले की 21 प्रखंडों की सभी पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जाना है। शिविर में आने वाले लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने और कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न कराने तथा इस दौरान प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री करने के लिए उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिले के सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को विभिन्न विषयों से संबंधित बुधवार को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को लॉगिन आईडी बनाने तथा कैंप की डिटेल को भरने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही किस आवेदन को कौन पेज में अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन पर्ची कैसे निकालें आदि विषयों पर जानकारी दी गई। खूंटी में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों का निष्पादन कराने का दिया निर्देश। खूंटी में व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारी को लेकर बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढालसा के अध्यक्ष सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। प्रधान जिला जज ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि वैसे लोग जिनका मामला न्यायालय में लंबित है और वाद सुलहनी है, वे भी अपने वादों का निष्पादन करा सकेंगे। प्रधान जिला जज ने लोगों से अपील की है कि वे मामले के निष्पादन के लिए व्यवहार न्यायालय अवश्य पहुंचे और न्यायालय में चल रहे लंबित मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन कराएं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य दिवस में व्यवहार न्यायालय आकर ऐसे मामलों का निष्पादन कराया जा सकता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।